सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आपने कुल्हड़ वाली चाय तो जरूर पी होगी या तंदूरी चाय जरूर पी होगी, पर वो कुल्हड़ बनता कैसे है, क्या आपने कभी देखा है कितनी मेहनत से उस कुल्हड़ को बनाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुम्हार की मेहनत कि कितनी मेहनत से कुम्हार उस कुल्हड़ को बनाता है, उस मिट्टी के बर्तन को, जो एक मिट्टी होती है उसको आकार दे के, उसको रूप दे के, उसको आपके हाथों तक पहुंचाता है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप मत करना, और पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइज, आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे अंकल जी हैं, कितनी मेहनत से और कितने प्यार के साथ एक मिट्टी को आकार देके उसे एक जो कुल्हड़ होता है, जो हमारे मिट्टी का ग्लास होता है, उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये मिट्टी है, इसको अंकल जी ने पकड़ा और उसको एक आकार दे दिया मिट्टी को, और ऐसे फिर नीचे धागे से काट दिया। मिट्टी देखने में कुछ नहीं होती, एक सिंपल से होती है, पर हम उसको अपनी मेहनत से एक आकार में बदल देते हैं। तो यही एक कुम्हार की मेहनत होती है, जो अपनी मेहनत से, अपने एक जो उसकी कारीगरी कहते हैं, उससे एक मिट्टी को आकार दे देता है। आप या मैं उसको वो आकार नहीं दे सकते, पर जो हुनर और एक काबिलियत एक कुम्हार के हाथों में होती है वो काबिल तारीफ़ है। तो आप देख सकते हैं कि अंकल जी हमारे कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मिट्टी के कुल्हड़ बना रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे अंकल ने बना भी दिए। तो थोड़ा अंकल जी से और हम जानते हैं कि कितने समय में उन्होंने कुल्हड़ बना दी, कैसे कैसे उसको बनाते हैं, क्या उनकी मेहनत इसको बनाने में रहती है। तो अंकल जी अभी कितने समय से बना रहे हैं जो मिट्टी का काम करे, कुल्हड़ वगैरह बना रहे हैं? बचपन से मतलब बना रहे, बचपन से बना रहे हैं, बड़े हो गए जब से। अच्छा, बचपन से बनाते आ रहे हैं? हाँ, ये काम करा। 40-50 साल हो गए बनाते बनाते? हाँ हाँ, 50 साल ही ज्यादा हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपका मतलब पुश्तैनी काम होगा? हाँ, पुश्तैनी काम था, दादाजी वगैरह सब यही करते होंगे। हाँ, तो जैसे मिट्टी हम देख रहे हैं, मिट्टी यहीं से काशीपुर से मिलती है, बाहर से मिट्टी कहीं आती है? काशीपुर से मिलती है, बाहर से भी आती है, बाहर से भी लानी पड़ती है। तो इसमें अलग से जैसा भी बर्तन बना रहे, कुछ में मिलाना ही पड़ता है साथ में? कुछ नहीं कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी और पानी मिलाया, घोल बनाया, हल्का रेत लगाते हैं बस, थोड़ा सा रेत हल्का सा लगा जाता है वो, इससे पैर उन्हें चिपका हमारे। अच्छा 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 अच्छा, मजा ही लाग लगती है। हाँ, तो जैसे आपने इतने सारे ये बना दिए अपने कुल्हड़, तो कितना समय लगे इनको बनाने में? बना ही रहे बस, शुरू से बना ही रहे ना। अच्छा अच्छा, तो इसको जैसे आपने बना लिया, बनाने के बाद बाद में जैसे अभी आप सुखा रहे हैं, तो इसको मजबूत करने क्या करेंगे, पकाया जाएगा आग में? हाँ, आग में उपले लाके आग में पकाए जाते हैं, उपले लाके आग में पकाएंगे। अच्छा, पकने के बाद ही अपने मजबूत हो जाते हैं? हाँ, अपने मजबूत हो जाते हैं, बेचते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस कि कितना एक मेहनत का काम रहता है मिट्टी के कुल्हड़ को बनाने का भी। काटते हैं, भिजोते हैं, पांव से खूनते हैं, फिर हाथ से मलते हैं, बहुत काम है, बहुत मेहनत वाला काम रहता है। मलते हैं ऐसे, मिट्टी मलते हैं। अच्छा, गेहूं का आटा मला जाता है? हाँ, ऐसे करते मरती है। तो इसको चकला कहते हैं जिसको आप घुमा रहे हो? हाँ, चकला है ये। तो इस चकले पे रख के इसको बनाया जाता है। हाँ। तो गाइस आपने देखा कैसे उन्होंने, अंकल जी ने हमारे मिट्टी के कुल्हड़ बनाए, उसको बनाने के बाद उसको आग में रख के तपाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये अंकल जी ने भट्टी बना रखी है और यहाँ पे कुछ कुल्हड़ रखे हुए भी हैं। इसको कुल्हड़ों को पहले सारे यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर उपले रख के उसमें आग लगा देते हैं, जिससे जो हमारी उपलों की तपिश आती है, आग की तपिश आती है, उससे हमारे कुल्हड़ बनके तैयार हो जाते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं राख बन चुकी है, कुछ जो हमारे कुल्हड़ यहाँ रखे हुए हैं जो पक्के तैयार हो चुके हैं, और वहाँ पे भी अंकल जी ने पैक भी कर रखे हैं कुल्हड़। ये मेरे ख्याल से कहीं बाहर माल जाना होगा, तो यहाँ पे सारे कुल्हड़ पैक किए गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हांडियाँ भी बनाई गई मिट्टी की, ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर हांडियाँ बनाई गई हैं, पर ये अभी कच्ची हैं, सिर्फ मिट्टी की बनी है, बाद में इनको तपाया जाएगा, ये पक जाएगी, पकने के बाद अपनी पूरी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा मिट्टी के बहुत सुंदर सुंदर घड़े भी हैं, आप देख सकते हैं मेरे सामने, वहाँ पे मिट्टी के सुंदर सुंदर घड़े भी बनाए गए हैं। इसके अलावा बहुत से आइटम आते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि अपने घड़े बनाए गए हैं, घड़ों को तपाया गया आग में, और ये पक्के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल रेडी घड़े हमारे, जिनको आग में तपाया गया है, बिल्कुल पक्के तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं मिट्टी के बहुत सुंदर सुंदर गमले भी बनाए गए हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं गमले हैं, और वहाँ पे गुल्लक बनाई गई हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितनी सुंदर सुंदर गुल्लक हैं यहाँ पे, और आपने जैसे देखा कि बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे हमारे गमले रखे हुए हैं। अंकल जी क्या बना रहे हैं आप ये? हाँ? ये क्या बना रहे हैं, गमला बना रहे हैं क्या? हाँ। ये क्या चीज बना रहे हैं आप जो मिट्टी से बना रहे हैं? रंग लगाने का। हाँ जी, रंग लगाने का, रंग बर्तनों का लगाते हैं ना। अच्छा, रंग जो लगाते हैं पौधने का। अच्छा अच्छा, बदला पानी पानी टब जैसा बना रहे हैं आप ये? हाँ हाँ, अच्छा।
तो यहाँ पे अंकल जी मिट्टी का एक टब जैसा बना रहे हैं, जिसमें रंग डाल के जो हमारे बर्तन होते हैं इनको जैसे कलर भी कुछ करना चाहते हैं अंकल बता रहे हैं। इसमें पानी डाल देंगे, कलर डाला फिर उसमें घुमा करके उसको कलरफुल भी कर सकते हैं, मिट्टी का कोई बर्तन जैसे बनाते हैं। अब वहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर गमले हैं छोटे छोटे और कितनी मेहनत से बनाए गए। और वहाँ पे अंकल की मिट्टी भी तैयार है, जो गुठी मिट्टी बात कर रहे थे अंकल जी, वो देखिए गुठी मिट्टी भी है। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि कुम्हार कितनी मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के घड़े बनाता है, मिट्टी के गमले, मिट्टी के कुल्हड़ बनाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुम्हार की मेहनत, और यहाँ पर सारा आप देख सकते हैं कितना अच्छा काम चल रहा है। ये हमारे काशीपुर उत्तराखंड में ही काम चलता है, हमारी जो मानपुर रोड है वहाँ पर काम सारा चलता है। अगर आप भी होलसेल में मिट्टी के कुल्हड़ लेना चाहते हैं, बर्तन लेना चाहते हैं या गमले लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप आगे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मार्केट से सस्ता आपको यहाँ पे मिलेगा। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको देख के अच्छा लगे किस तरीके से एक कुम्हार कुल्हड़ बनाता है मिट्टी का, तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपको वहाँ पे दिन प्रतिदिन नई नई चीज़ें दिखाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ जल्दी आपको मेरे को नई इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ। तब तक उसके लिए हमारे चैनल पर बने रहना। और हाँ, पहली बार चैनल पर आ रहा हूँ तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय।